हेलो हेलो व्हाट्सएप पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे हिस्ट्री के न्यू वीडियो में। गाइस, मैं पिछले 2 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। उसका रीजन ये था, मैं थोड़ा सा वीडियोस के ऊपर टेक्निकली वर्क कर रहा था। अब से आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते जाएंगे हिस्ट्री के। आज इन जनरल मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस चैनल पर मैं आप सबको जो भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जो भी यूपीएससी, एसएससी या इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में जिनका सिलेबस आता है, वो हम कवर करते चलेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की, हम इसके बाद में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एनसीईआरटी जो सीबीएसई की बेस्ड है, हम उसको माध्यम रख के चल रहे हैं। जो एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई की तरफ से हैं और उनको हम माध्यम रखते चल रहे हैं। धीरे धीरे हम क्लास 7th की तरफ पढ़ेंगे, फिर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। जो सब्जेक्ट्स हम कवर करते चलेंगे वो करेंगे हम हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीटली कवर करते चलेंगे, जो कि आपके यूपीएससी में GS 1, 2, 3, 4 में अलग अलग वेराइटीज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो भी और अदर कंपलसरी पेपर्स होते हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। जो ऑप्शनल्स में सब्जेक्ट होते हैं वो 2 ऑप्शनल्स में ट्राई करूंगा कि आपके सामने रख पाऊं, ज्यादा जिसमें जिसमें मेरा कमांड है वो 2 मैं अच्छे से रख पाऊं, और बाकी के लिए थोड़ा सा फैकल्टी अरेंज करेंगे हम जल्दी। गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा इस ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के लिए आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये हिस्ट्री का पोर्शन या ज्योग्राफी इन सब का पोर्शन आता है, तो उन लोगों को उससे बेनिफिट मिल पाए। अब से मैं वीडियोस को अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, जिससे हमारा कोर्स और फास्ट हो सके। एंड आपको पढ़ने की टेक्निक, मेरे को व्हाट्सएप पे कई बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमको पढ़ने की टेक्निक कैसे करनी है, मतलब क्या पढ़ने की टेक्निक होगी जो हम अप्लाई करेंगे। तो गाइज, आपको पढ़ने की टेक्निक सिंपल सी है। नोट्स जो मैं आपको बोर्ड पे प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना, आप उसको शुरुआत में कॉपी कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के एंड में कॉपी कर लीजिए। मैं हमेशा थोड़ा सा समय देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए बीच में और उनको कॉपी कर दीजिए, और जब मैं चीजों को समझा रहा हूं तो आप इनको अच्छे से समझ के आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ही आपने कॉपी किया तो आपके नोट्स जो है तैयार हो जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर, एनसीईआरटी एक्सप्रेस का मेरा चैनल है, जो आप उस पर जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 1 का सब कुछ वीडियो मिलेंगे। आपको उन वीडियो को देखना है, सिंक्रोनाइजेशन मैनर में वो चलते जा रहे हैं। लेक्चर नंबर, जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, चैप्टर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 4, इस तरह करके सारे लेक्चर्स हैं। आपको वो सारे लेक्चर्स देखते हुए चलने हैं। अगर आपने बीच में से कोई भी लेक्चर मिस किया तो वो चैप्टर आपका इनकम्प्लीट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं जो मैसेज मैं आप लोगों को, आप सबको देना चाहता था, आप सबको वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मतलब 5 लेक्चर्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के, हमने 5 वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा था कि अब टैक्सेस की जरूरत राजाज को पड़ने लगी थी, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती थी, फाइनेंशियल सिस्टम्स की जरूरत पड़ती थी। इस वजह से जो टैक्सेस का जो है, राजा टैक्स लगाते थे, टैक्स लगाने के बाद में लेबर के फॉर्म में लगाते थे, मनी के फॉर्म में लगाते थे, क्रॉप्स के फॉर्म में लगाते थे, काइंड में लगाते थे। तो टैक्स उस समय अलग अलग तरीके से राजा के पास में आता था, इस तरह से अपने वो एम्पायर को बढ़ाते जाते थे। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हम जो न्यू टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। चेंजेस इन द एग्रीकल्चर के बाद में आपको ये जो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, रूलर्स ऑफ मगध, ठीक है, ये इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पहले बोर्ड को आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट बोर्ड खाली छोड़ देता हूँ, कॉपी कर लीजिए, उस समय भी मैं खाली छोड़ दूंगा, आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनके ऊपर भी टैक्सेस लगते थे, और वो किसके फॉर्म में होते थे, लेबर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। इसका लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या था,
कि जो वीवर और किंग होता था, जो वीवर होता था उसको राजा के लिए वर्क करना पड़ता था, ठीक है ना, जो वीवर होता था उसको राजा के लिए वर्क करना पड़ता था पूरे दिन के लिए। टैक्सेस जरूरी नहीं है कैश में हो, टैक्सेस जो होते थे वो लेबर के फॉर्म में भी होते थे क्राफ्ट पर्सन से, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल वीवर और स्मिथ, जैसे कि वीवर और स्मिथ है उनको लेबर के फॉर्म में जो है किंग को टैक्स पे करना पड़ता था, मतलब पूरा दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था, ये उसका एक तरह से टैक्स का भुगतान होता था। हर्डर्स लाइक हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और एनिमल्स प्रोड्यूस, ठीक है। जो हर्डर्स होते थे जो मतलब उस समय में जानवरों की देखभाल वगैरह करते थे, उन सबको चारा वगैरह खिलाते थे और सब जो उनका लाइफ स्टॉक का जो उस समय वर्क करते थे उन सबको भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। राजा को टैक्स वो किस फॉर्म में दे सकते थे, या तो एनिमल्स के फॉर्म में, मान लीजिए कि आप सेना में जो है हाथी की जरूरत है, एलिफेंट्स की जरूरत है, तो या तो एलिफेंट्स देकर या फिर एनिमल्स प्रोड्यूस, या मान लीजिए उनके पास में कैटल है तो कैटल का जो प्रोड्यूस होता है जैसे मिल्क हो गया, जो भी डोमेस्टिक यूज में काम आता है, वो राजा को प्रोवाइड कर उनको टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। मतलब उस समय टैक्स आज के टैक्स टैक्सेशन सिस्टम की तरह नहीं था कि हमने एक इनकम टैक्स पे कर दिया, हमने जीएसटी पे कर दिया, जैसा आज जो हमारे इंडिया में सिनेरियो है, इस तरह से उस समय बिल्कुल भी नहीं था। आप सब भी जानते हैं नया नया टैक्स सिस्टम था, ना कोई हमारे पास में सीबीडीटी थी, ना कोई सीबीईसी थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो उस समय जो टैक्सेशन के नियम होते थे वो यही होते थे कि या तो कुछ पोर्शन कैश में पे कर दो जो राजा ने तय किया है, नहीं तो कुछ पोर्शन आप काइंड में पे कर दीजिए, कुछ पोर्शन आप जिस फील्ड में भी उस कोई हर्डर या कोई भी बंदा है जो काम करता था, जो जिस काम में वो वर्क कर रहा है उसका कुछ एक पार्ट देके राजा को वो अपने टैक्स का भुगतान कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब ट्रेड से कोई भी गुड्स और गुड्स आ रहे हैं वो भी टैक्सेस के रूप में पे करके फिर उनको सोल्ड किया जाता था। हम इस लाइन को वापस देखते हैं, देयर आर टैक्सेस ऑन द गुड्स, जो सामान आता था ट्रेड के थ्रू उसमें भी टैक्स होता था, दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, जो भी ट्रेड के थ्रू भारत में या राजास के किंगडम में आता था उस पे भी उस जो इंसान जो ट्रेडर उसको लेकर आया है उसको टैक्स का भुगतान करना पड़ता था राजा को गुड्स के फॉर्मेट में। हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो पे टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब क्या होता था, तो जो हमारे हंटर और गैदरर्स हैं उनको टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता था इन द फॉर्म एंड द गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब जो भी गुड्स उन्होंने एक तो बॉट किए, मतलब या तो परचेस किए हैं या फिर सोल्ड या फिर बेचे हैं ट्रेड के थ्रू, तो उनको इस तरह से हर्डर और गैदरर्स को भी टैक्स का भुगतान राजा को करना पड़ता था, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक में, हंटर एंड गैदरर्स ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द राजा। अब क्या होता था, जो हमारे हंटर गैदरर्स है उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी राजा को जो है करके देना पड़ता था। इस पॉइंट का मतलब समझिए, हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैव टू पे ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो लकड़ी हमने लकड़ी काटी और भी जंगलों से इस तरह का सामान लेके आए, जो भी राजा के महल में यूज आता हो, उनकी प्रजा के लिए यूज आता हो, उनके मंत्रियों के लिए यूज आता हो, उन सब का भुगतान भी हंटर और गैदरर्स को पे करना पड़ता था। मतलब उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट से लेकर आना पड़ता था और राजा को देना पड़ता था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। एग्रीकल्चर के नियमों में दो तरह के चेंजेस उस समय में हुए थे। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन ब्लॉक, जो एक आयरन की कुल्हाड़ी होती है उसका यूज एक तरह से हुआ, वो एक नया ट्रेडिशन, एक नया रिफॉर्म उस समय में आया। This means that heavy clay soil could be turned out over better than wooden plough. अब क्या होता था, जो लकड़ी का plough होता था उससे जब हम मिट्टी खोदते थे या जो मिट्टी को till out करते थे, तो उससे ज्यादा efficient technique आ गई उस समय, वो थी हमारी iron plough, ठीक है। Iron plough जो है ज्यादा आयरन प्लो जो है बेटर प्रोड्यूस कर सकता था, बेटर जो है रिजल्ट्स दे सकता था एज कंपेयर टू वुडन प्लो, ठीक है। ये आयरन फ्लो जो है बेटर रिजल्ट्स देता था एज कंपेयर टू वुडन फ्लो, देयरफॉर मोर क्रीम कैन बी प्रोड्यूस। और इसी तरह से
ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है प्रोड्यूस किया जा सकता था। तो ये तो हमारा इसका स्लाइड वन हमने कंप्लीट करी है। अगर आपने उस समय पहले नोट डाउन नहीं किया था तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड जो है पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा स्लाइड नंबर टू है। हमने इससे पहले भी एक स्लाइड खत्म किया है। अब इसके बारे में, इसमें हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे रूलर्स ऑफ मगध के बारे में। मगध को किस तरह से रूलर्स, किन किन रूलर्स ने रूल किया और मगध को समय में क्या स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के बारे में जो मैसिडोनिया यूरोप से रिलेटेड है। ठीक है, आपने अगर इसको नोट डाउन नहीं किया तो आप, मैं थोड़ी देर बोर्ड को छोड़ रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे। और लास्ट वीडियो में हम जो इसके बाद आने वाला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे क्लोजर लुक टुवर्ड्स वज्जी। तो मैं थोड़ी देर बोर्ड छोड़ रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने पॉज नहीं किया है तो वापस बैक जाके इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। रूलर्स ऑफ मगध, मगध में कौन कौन से रूलर्स थे? तो टू वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगध वर बिंबसारा एंड अजासत्ता। ठीक है, दो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे एक तो बिंबसारा और एक अजासत्ता। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मगध के, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद, जो हर एक पॉसिबल मीन्स यूज करते थे कि जो आसपास के, मगध के आसपास के जितने भी जनपद हैं वो उनको, उनपे अपना हक जमा सके, उनको कैप्चर कर सके, उनको कॉन्कर कर सके, कर सके। ठीक है, कौन कौन से दो राजा? बिंबसारा एंड अजातशत्रु। उसके बाद में महापंडा नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर who extended his control up to the northwest part of the subcontinent. जो एक महापंडा नंदा एक another important ruler था जिसने extend किया अपना control up to the northwest part of the subcontinent. ठीक है ना, जो एक महापंडा नंदा था उसने अपना, एक वो important ruler उस time का था, उसने अपना reign जो है extend किया up to the northwest part of the subcontinent. जो भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का वहां तक उसने अपनी रैंक को एक्सटेंड किया। उसके बाद में ये रूलर्स ऑफ मगध है। सबसे पहले हमने रूलर की बात करी, वो बिंबसारा अजासत्ता। दूसरे में हम रूलर, जिस रूलर की बात करी वो था महापंडा नंदा। तीसरे हम जिसकी रूलर की बात कर रहे हैं वो है राजगीरा यानी राजगीर। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। ये राजा नहीं, जगह का नाम है, वॉज इन बिहार फॉर द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल Yes, ये बिहार में था और ये जो है मगध की कैपिटल रह चुकी है कई सालों तक। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना। और जो कैपिटल है इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया था जो प्रेजेंट डे पटना है। आज जिस जगह को हम पटना के नाम से जानते हैं वो मगध के समय में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। और राजगीर जो था, जो बिहार में था, उसने जो मगध की कैपिटल है उस पे अपना रूल किया एंड द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना। और वो जो कैपिटल थी उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, हु लिव्ड इन मैसिडोनिया। आज से लगभग 2300 साल पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया में रहता था, जो यूरोप में है। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर, वो जो है एक पूरे विश्व का जो है वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था। ही कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, और उसने जो है, जो पार्ट्स हैं इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स हैं उनपे अपना धाक जमाया, उनपे अपना रूल किया। ठीक है, एंड केम इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद में वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया था। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ब्रांच ऑफ बीस ठीक है। अब जो था अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया में था उसने वो पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था और उसने कुछ पार्ट्स इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के कैप्चर किए। उनको कैप्चर करने के बाद में वो जैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया रीचिंग अप टू द ब्रांच ऑफ बीस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रांच ऑफ बीस के पास में पहुंचने के बाद में व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर अब जब वो आगे बढ़ना चाहता था कहां पर इन ईस्ट जब वो और आगे बढ़ना चाहता था ईस्ट की तरफ तब क्या हुआ बट हिज सोल्जर्स रिफ्यूज उस समय जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्यों दे वर स्केयर्ड वो इस चीज से जो थे डरते थे किस चीज से एज दे हर्ड रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज जो उनको ये लगता था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनकी बहुत बड़ी सेनाएं हैं और वो बहुत ताकतवर हैं और अलेक्जेंडर अगर इंडिया जाएगा तो अलेक्जेंडर वहां पर जो है अपना रूल नहीं जमा पाएगा जो इंडिया की उस समय आर्मीज थी इंडिया के जो भी राजा थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे उनको उनके जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के उनको ऐसा लगता था और वाकई में होते भी थे ऑफ फुट सोल्जर्स चैरियट्स एंड एलिफेंट्स क्यों उनको ऐसा लगता था उनके अलेक्जेंडर के सोल्जर्स को इसलिए ऐसा लगता था कि अगर हम और फर्दर आगे मूव करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो जो इंडियन आर्मीज जो इंडिया के उस समय राजास थे और जो वहां के रूलर्स थे उनकी प्रजा और उनकी सेना इतनी स्ट्रांग होती थी कि अलेक्जेंडर हार जाएगा और वो सब लोग डिफीट हो जाएंगे क्योंकि उनकी आर्मीज के पास में बहुत सारे सारे फुट सोल्जर्स थे मतलब जो सेनापति और सारा जो भी सेना थी उसके बाद में चैरियट्स एंड एलिफेंट्स कई सारे उनके पास में इक्विपमेंट और चैरियट्स थे चैरियट्स के साथ में हाथी थे एलिफेंट्स थे बहुत बड़ी सेनाएं थी और अलेक्जेंडर की जो सोल्जर्स हैं उनका ऐसा लगा कि हमने और आगे मूव फर्दर किया तो हमारी डिफीट हो जाएगी। तो हमारा ये वाला वीडियो आज इधर ही कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स वज्जी। ये हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 6 था। इसके बाद में एक लास्ट वीडियो और आएगा क्लोजर लुक टुवर्ड्स वज्जी, फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है पूरा हो जाएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।